छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं रश्क वारी खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता भारी संख्या में एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने देवेंद्र नगर चौक पहुंचे। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे थे। श्रीचंद सुंदरानी ने नारियल फोड़कर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झूमा झटकी हुई। मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि काम पूरा होने के बावजूद कांग्रेस सरकार इसका लोकार्पण नहीं कर रही है, तो वही कांग्रेस का कहना है कि निर्माण कार्य अधूरा है, इसमें तकनीकी खामियां हैं, बिना जांच कराए इसका लोकार्पण नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के चरित्र में ही कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, 10 मिनट में स्टेशन से सीधा आप माना पहुंच सकते हैं, एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन भूपेश सरकार इसका लोकार्पण इसलिए नहीं करना चाहती, कहीं ना कहीं ये रमन सरकार को क्रेडिट जाएगा, इसलिए इसका वो लोकार्पण। बीजेपी शासनकाल में पापाड़ी से केने तक बनाए गए एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के लिए यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। दरअसल बीजेपी ने ये मांग की थी कांग्रेस सरकार से कि 30 जून तक इसका उद्घाटन करा दिया जाए, लेकिन सरकार ने काम बचे होने की दलील के साथ इसका उद्घाटन नहीं किया था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपाई पहुंचे हैं, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी और शहर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी तादाद में भाजपाई यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके की आशंका थी पुलिस प्रशासन को, ठीक उसके अनुरूप यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। और अब जब भाजपाई एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर बल प्रयोग करते नजर आ रही है, रोकने की कोशिश करते नजर आ रही है और झूमा झटकी के हालात बन गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस झूमा झटकी के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी है और धक्का मुक्की करते हुए भाजपा ही आगे बढ़ रहे हैं। जो बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई थी उस बैरिकेटिंग को भी यहाँ पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और उससे आगे बढ़ गए हैं। भूपेश सरकार पर कई आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन भाजपा के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। किन मांगों का प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे क्या है? मामला यह कांग्रेस सरकार ने देश का रोजगार को किया और हम लोग हर विकास के लिए और जनता उसने दिलाएंगे। क्या मांगे हैं? ये हम ओवरब्रिज का लोकार्पण कर रहे हैं, लोकार्पण करने आए थे। लोकार्पण करना सरकार का काम है, भाजपा को जरूरत क्यों पड़े? सरकार कुछ न करे तो जनता को अधिकार है करने की। सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है, ये आरोप भाजपा का है, लेकिन जरूर बीजेपी के लिए प्रदर्शन का ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन हकीकत है जिस तरीके से कांग्रेस की दलील है कि रोड का निर्माण, एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो पाया है और यही वजह है कि कांग्रेस की सरकार इसका वक्त पर उद्घाटन नहीं कर पा रही है। कैमरामैन रेख राम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रायपुर में कल से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बस्तर के दौरे पर रहेंगे। मादंतेश्वरी के दर्शन से वो शुरुआत करेंगे तो वहीं उपचुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे, साथ में कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। अध्यक्ष मोहन मरकाम ने काम संभाल लिया है और काम संभालने के साथ ही मरकाम इन एक्शन हो गए हैं। बस्तर के दौरे पर जा रहे हैं और इसके अलावा आंदोलन की तारीखें भी घोषित कर दी हैं कि जिलेवार प्रदर्शन किए जाएंगे केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ। छत्तीसगढ़ का कोटा जो घटाया गया है, जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा मोहन मरकाम का आरोप है। कल से बस्तर के दौरे पे ये माना जाए कि शुरुआत हो चुकी है, उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस जुट गई है। जी जरूर, सबसे पहले तो हम माँ दंतेश्वरी जो हम सबकी आराध्य देवी है उसका दर्शन करेंगे। उसके साथ साथ बस्तर में 2 उपचुनाव होने हैं, चित्रकूट और दंतेवाड़ा में, उसकी रणनीति तय करने के लिए हम पहला दौरा बस्तर से कर रहे हैं। 5 दिन हम बस्तर में रहेंगे। उसके साथ साथ केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। पहले पीडीएस चावल की कटौती की, अभी केरोसिन कोटे में कटौती की है।
माननीय सांसद रामविचार नेताम के प्रश्न में केंद्र सरकार का जवाब है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 40,000 घरों में आज भी बिजली नहीं पहुंची है। ग्रामीण जन केरोसिन से दिया जलाते हैं, केरोसिन से बहुत ज्यादा अन्य कामों में उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। इसी के विरोध में हम 7 से 12 तारीख के बीच में पूरे जिला स्तर में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, लेकिन आपकी नई कार्यकारिणी तो है नहीं, तो फिर उसमें कैसे पुरानी कार्यकारिणी के साथ ही ये आंदोलन करेंगे? देखिए, जब तक नई कार्यकारिणी नहीं बन जाती, हम पुरानी कार्यकारिणी से काम चलाएंगे और पूरा पुरानी कार्यकारिणी जो अनुभव है उस अनुभव का हम फायदा लेंगे और हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में हर जिले में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुत सारी एक्सरसाइज कांग्रेस ने बूथ के लेवल पे की जिसका फायदा उसको मिला, लोकसभा चुनाव में वो एक्सरसाइज हो नहीं पाई, तो दो उपचुनाव हैं उसको लेकर के क्या सोच है आपकी, क्या रणनीति है, आखिर किस तरह से चित्रकूट और दंतेवाड़ा के खिलाफ फतह करेंगे आप? माननीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पिछले 5 वर्षों में बूथ लेवल तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर संगठन को मजबूत किया, बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, उसी की बदौलत संगठन एकजुट होकर हमने चुनाव लड़ा था, जिसमें 90 में हम 68 सीट जीत जीते थे। लोकसभा में हमको आशातीत सफलता नहीं मिली, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है आने वाला दोनों उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव। हम फिर से जिस ढंग से माननीय भूपेश बघेल जी जो हमको रास्ता दिखाया था संगठन को मजबूत करने का, हम फिर से उसी स्तर पर जाएंगे, बूथ लेवल पर जाएंगे, संगठन को और हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके हम उपचुनाव हम जीतने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। तो ये थे मोहन मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष, जो कल से बस्तर के दौरे पर हैं और उसके बाद इनकी अगुवाई में कांग्रेस आंदोलन की शुरुआत करेगी, लेकिन इस बार निशाने पर रमन सिंह नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कैमरामैन शाम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। कांके में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत ने संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। भाजपा नेता जगदलपुर के दौरे से लौटते हुए कांकेर पहुंचे राजेश मूरत ने कहा है कि हमारा संस्थागत पर्व 6 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसके लिए मुझे आम जनता से संवाद करना और लोगों के बीच में जाना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि 6 महीने में ही हालात खराब हो गए, सड़कें जर्जर हैं और बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। जनता को डॉक्टर रमन सिंह की याद आ रही है, कांग्रेस के राज में विकास के काम थम गए हैं। हमारा संगठन पर्व चालू है, संस्था का पर्व प्रारंभ हो रहा 6 तारीख से, उसके लिए सामान्य रूप से नीचे स्तर पे जाके 20% तक की संस्था को बढ़ाना है, आम जनता से एक संपर्क करना, संवाद करना, लोगों के बीच में जाना, ये हमारे। तमनार थाना परिसर में प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी, SECL कोल कंपनी ट्रांसपोर्टरों एवं स्थानीय ट्रेलर मालिक संघ की एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में सभी ने अपनी अपनी मांगों और समस्याओं को रखा। स्थानीय ट्रेलर वाहन मालिक संघ ने भाड़ा बढ़ाने के साथ अपनी 5 मांगे भी रखी और बैठक में उपस्थित ट्रांसपोर्टरों ने वाहन मालिकों को आश्वासन देकर आंशिक रूप से यूनियन की मांगों को स्वीकार किया। आगामी बैठक में सर्वसम्मति से भाड़ा निर्धारण हेतु फैसला लिया जाएगा। जो हमारे ट्रक ऑनर जिनके साथ हम लोग भी हैं, अभी हम वर्तमान में जो हमारा प्रॉफिट है उसको माइनस करके 0 प्रॉफिट में 20 रुपये आज से भाड़ा कल से बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि कंपनियां भी कुछ भाड़ा बढ़ाएं, लेकिन ये पारदर्शिता के चलते अगर हम रेट बढ़ाने की बात करते हैं तो स्थानीय ट्रांसपोर्टरों से बाहर के ट्रांसपोर्ट आकर फिर उस व्यवसाय को करने लगते हैं। जगदलपुर में बस्तर विकास प्राधिकरण की आज दूसरी बैठक संपन्न हुई। स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बस्तर संभाग में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा करने के साथ बस्तर में तेजी से बढ़ते जापानी बुखार के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त सुविधा रखने के निर्देश दिए गए। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में संभाग के, आपको बता दें,
कार्यालय के सभी लोग मौजूद रहे। विकास प्राधिकरण में जापानी बुखार वो तो आ गया है, उसको हर के मतलब जो भी है अगर उसमें दवाई के लिए चाहे उसको प्रचार प्रसार उसको रोकथाम के लिए जो भी पैसा लगेगा अब प्राधिकरण पैसा देगा। और इस संबंध में भी अधिकारी लोग स्वास्थ्य विभाग के बताया गया है और उसमें विशेष ध्यान देने के लिए। और प्रधानमंत्री सड़कें की बात है, निश्चित रूप से हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि काम अच्छा होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जहां बस्तर प्राधिकरण की मदद है, जहां पैसे की कमी पड़ रही, विभाग में कोई दिक्कत आ रही है पैसे की कमी, तो बस्तर प्राधिकरण के पैसे से हम वहां मदद करें। आरंग में पीडब्ल्यूडी विभाग की एक और लापरवाही सामने आई है। पिछली बार किए गए नाली निर्माण से जनता को हुई दिक्कतों की कोई परवाह किए बिना यहां के इंदिरा चौक में पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बार फिर बिना किसी को सूचना दिए नगर से सबसे व्यस्त रोड की खुदाई कर दी, जिसके चलते आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महासमुंद की ओर से आने वाली लगभग सभी गाड़ियों को वापस दूसरे रास्ते से भेजा गया, जिसके चलते रोड काफी जाम हो गया। दबाव बढ़ता देख विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को बुला लिया और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में लग गए। लोगों का कहना है कि जो कार्य रात में होने चाहिए उसे पीडब्ल्यूडी विभाग दिन में कर रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकार का मतलब कि संकेत रोड निकला हुआ है और जहाँ पर जाम लगा हुआ है घर से निकलेगा आदमी, बीच रोड में बिना किसी जानकारी के काम कर रहे हैं। अगली खबर का रुख रायपुर से करेंगे, जहां पर जूड़ा की हड़ताल को लेकर उनको नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि वे काम पर नहीं लौटते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति मानते हुए उनकी शिक्षा की अवधि में 6 महीने की वृद्धि की जाएगी। प्रशासन ने हड़ताल वासी डॉक्टरों को 24 घंटे के भीतर छात्रावास खाली करने की भी बात कही है और ऐसा नहीं करने पर उनसे जबरन हॉस्टल खाली करवाया जाएगा। डॉक्टरों की हड़ताल का 6वां दिन है, हालांकि इसी बीच इन्हों को और नोटिस मिला है कि वो अपने हड़ताल खत्म करके अपना ड्यूटी ज्वाइन करें और इस वक्त हमारे साथ कुछ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि नोटिस के बाद उनके अगला कदम क्या होगा। आज आपका हड़ताल का 6वां दिन है, हालांकि नोटिस मिला है आपको, आगे की रणनीति क्या होगी आपको? हम आज पीछे नहीं हटेंगे, हमने ठान लिया है जो हमारी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं हो जाएगी हम नहीं हटने वाले, अभी तक पीछे। और जो भी हम हर टाइप से कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से बात की जाए, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते, हमारे भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके कोई निर्णय सरकार को तुरंत लेना चाहिए। तो अभी आपने सुना जूनियर डॉक्टरों का, जिनका कहना है कि हमें हालांकि नोटिस जारी कर दिया गया, हमें नोटिस की परवाह नहीं है, चाहे हमें किसी भी तरह की हम पर कार्रवाई करे, लेकिन हम हड़ताल से जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर दी जाती। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। जूड़ा की हड़ताल था, 6वां दिन है, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज द्वारा जूनियर डॉक्टरों को नोटिस जारी नहीं किया गया। आपको बता दें कि हड़ताल का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है और हड़ताल की वजह से कई गंभीर मामलों के भी ऑपरेशन रुके हुए हैं। मेकाहारा अस्पताल में जहां एक दिन में 5,000 से भी ज्यादा मरीज ओपीडी में आते थे, जो कि अब इलाज नहीं मिलने की वजह से लगभग 1,000 तक ही सीमित रह गए, जिसके चलते सभी गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जा रहा है और ऐसे बुरे हालातों में भी अस्पताल अधीक्षक विवेक चौधरी अभी भी छुट्टी पर है। नक्सल क्षेत्र बीजापुर में सड़क निर्माण काम में भ्रष्टाचार देखने को मिला, ग्रामीणों की माने तो निर्माण काम में मुनाफे का खेल फलफूल रहा है। ताजा मामला जिले के संवेदनशील तरलागुड़ा से कोतूर सड़क का बताया जाता है, जहां सड़क निर्माण के लिए 1,23,00,000 रुपए स्वीकृत हुए थे और ग्रामीणों की माने तो कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिस सड़क पर मौजूद है ये सड़क है तरलागुड़ा से कोतूर को जोड़ने वाली सड़क, बेहद ही संवेदनशील इलाका है, नक्सल इलाका इसको माना जाता है। ऐसे में यहाँ सड़क बनाना उन रहवासियों के लिए, उन ग्रामीणों के लिए
एक मील का पत्थर भी है वहां तक एक सड़क पहुंचे और वहां तक वो गाड़ियां जाएं जिसमें वो लोग सफर करते हैं। तो उसी सड़क पर हम मौजूद हैं और यहाँ एक पुल का जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस पुल को देखकर आपको लगेगा कि ठेकेदार कैसे कितना बड़ा मुनाफा कमाते होंगे और किस तरीके से गुणवत्ता को दरकिनार करते हैं, और इसमें जो विभागीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों की कैसी संलिप्तता है। एक पुल का काम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी जो गिट्टी है वो यहाँ पे दिख रही है, सीमेंट का नामो निशान नहीं है, 40 mm गिट्टी से यहाँ पे काम किया जा रहा है, जो सूखा मसाला होता है उसको बनाकर वो जो पुल का सेंटरिंग है उसके बीच में डाला जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुल जो है ये कितने लंबे समय तक यहाँ पर टिकेगा, क्या इस बारिश में ये पुल रुक पाएगा या ये पुल यहाँ के लोगों के लिए चलने लायक रहेगा। इससे पहले भी कई बार पीएम जसवाई विभाग के निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार कर मोटी रकम ठेकेदार कमाते रहे हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में जहां पहुंच पाना मुश्किल है और लोग एक अदद सड़क के लिए तरसते हैं, वहां बनने वाली सड़क और वहां बनने वाले पुल की जो ये स्थिति है उसको देखकर आप सोच सकते हैं कि सरकार की उदासीनता का कैसे ठेकेदार फायदा उठा जाते हैं। कोत्तूर और तारलागुड़ा सड़क पर इस पुल के पास मैं पवन दुर्गम, स्वराज। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। शासकीय स्कूलों में बच्चों को प्रवेश के साथ तमाम सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं, लेकिन कोरबा के शासकीय मिडिल स्कूल के शिक्षकों को शासन की पहल रास ही नहीं आ रही। शिक्षकों का स्कूल में अपना ही कानून देखने को मिल रहा है। नई ड्रेस वितरण के नाम पर अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। सरकारी स्कूलों में प्रति गणवेश को 350 रुपए में बेचा जा रहा है, जिसके चलते परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर मामले में आला अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो मैंने खरीदने के लिए मैंने ड्रेस, हम लोग नया ड्रेस ले रहे हैं ना बच्चे लोग का, तो जो चाह रहे हैं लोग मैंने सर के द्वारा खरीदने के लिए। अपने द्वारा नहीं आया ड्रेस? आया है। फिर आपको क्यों खरीदोगे? हम लोग नया ड्रेस से। किस टाइप का नया ड्रेस? पहले यहाँ पर चल रहा था मेरून कलर का, तो उसी को फिर चला रहे हैं। ये हम लोग केंद्र के हैं, उच्च अधिकारियों लोग मीटिंग हम लोग बताए है ना, यहाँ हमारे प्रिंसिपल मैडम है मुरकुमा हाई स्कूल में नोडल प्राचार्य है ना, मीटिंग में उन्होंने बताया कि अगर आप ड्रेस चेंज करना चाहते हैं आप लोग तो कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तो उस चीज को हम लोग संस्था मीटिंग के और ये रखेंगे, ये तय हुआ है ना भाई, उसके आधार पर उसको चेंज। एसडीएम के साथ तिलक भवन पहुंचे जिलाधीश किरण कौशल का प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों ने स्वागत किया। वरिष्ठ पत्रकार किशोर शर्मा ने जिलाधीश का परिचय दिया। जिलाधीश ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा है कि मुंगेली, अंबिकापुर, बालोद में अलग अलग समस्याएं देखने को मिल रही हैं, कुछ समस्याओं में समानता भी है। उन्होंने पत्रकारों से भी अपेक्षा रखी है कि उन्हें जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर ही कार्य किया जाएगा। पत्रकारों ने भी जिलाधीश से अनेक सवाल किए, खासतौर पर खनिज चोरी का मसला भी उठाया गया और इस पर जिलाधीश ने बिंदुवार जवाब दिया। आपको बता दें कि आचार संहिता के चलते जिलाधीश पत्रकारों से नहीं मिल पा रही थी। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी योजनाओं और उसके क्रियान्वयन पर जिला प्रशासन का पक्ष रखा है। मैं पहले मुंगेली में कलेक्टर थी। मुंगेली में एक अलग चैलेंज है, एक अलग तरीका है लोगों के सोचने का, एक अलग जो इक्विलिब्रियम है उससे अंबिकापुर बिल्कुल डिफरेंट है, उससे बालोद बिल्कुल डिफरेंट है और कोरबा उससे बिल्कुल डिफरेंट है। पर सभी जगहों पे कुछ चीजें कॉमन होती हैं और एज कलेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आपको काम करने में जो चीजें मदद करती हैं उसमें बहुत बड़ी चीज जो है वो है प्रेस के हमारे साथियों का सहयोग और प्रेस के साथियों का फीडबैक। कांकेर के जिला मुख्यालय स्थित गड़िया पहाड़ में बने सीसी सड़क ठिकरापारा वासियों के लिए अब मुसीबत बन गई है। यहां के लोगों में बारिश होने पर दहशत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह सीसी सड़क निर्माण के दौरान तोड़े गए बड़े बड़े पत्थर जो कि बारिश होने पर पहाड़ के किनारे निवासी लोगों के घरों में गिरने लगते हैं और साथ ही पानी के तेज बहाव के साथ
पहाड़ से निकलने वाली रेत घरों में घुस जाती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम खराब हो जाए तो आटो पत्थर जैसे पानी पड़े गिरने चालू रहता है, नाली वाली अच्छी भी नाली में एक पत्थर गिरा हुआ है, नाली को सफाई पानी आज दिन कभी भी घर में नुकसान सोचता है टूट सकता है घर में पत्थर नीचे आएगा घर दीवार में गिरने का संभावना है। पिछले साल भी ऐसा कुछ घटना हुआ था क्या? घटना तो नहीं हुआ है होने के लिए, लेकिन पूरा यहाँ का मुर्मी जो बहा के आया है तालाब फट गया है, वो भी फिर बारिश होगा तो मिट्टी नीचे है वो खसरे का तो पत्थर नीचे। रायपुर के संतोषी नगर में स्कूल के पास बनी शराब की दुकान का जमकर रहवासी विरोध कर रहे हैं और विरोध जताया जा रहा है कि दुकान के विरोध में स्कूल के सैकड़ों बच्चे और उनके परिजन भी अब धरने पर बैठ गए। दरअसल स्कूल की लड़कियां जब दुकान के सामने से निकला करती हैं तब उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। लोगों ने बताया कि जब तक शराब की दुकान बंद नहीं की जाती वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस घटना की जांच करने के लिए अब तक शासन के अधिकारी भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। राजनांदगांव शहर में खुली प्रीमियम वाइन शॉप के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शराब दुकान बंद कराने जा रहे थे कि तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा शराब दुकान के विरोध को देखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शराब दुकान की तरफ जाने का प्रयास किया। छात्रों के सामने शहर के बाजू दारू दुकान खोली जा रही है। अगर ये दुकान अगर ये शराब दुकान यहाँ से नहीं हटती है तो युवा मोर्चा और उग्र प्रदर्शन करेगी। प्रीमियम वाइन शॉप 28 तारीख को खोली गई थी, उस समय बीजेपी का सांकेतिक एक प्रदर्शन था। 14 बाद उनके द्वारा घर में एक अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद उन्होंने आज से लेना दुकान अगले तरीके। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र के ग्राम लुदू खेत में रहने वाली एक महिला सर्पदंश का शिकार हो गई, लेकिन अंधविश्वास में जकड़ी महिला के परिजनों ने सांप को 3 दिन से बंधक बनाकर रखा हुआ है। ग्रामीणों का मानना है कि सांप को बंधक बनाए जाने से शरीर से विष उतर जाता है। हालांकि महिला अस्पताल में भर्ती है जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कब गुम पाते हैं? देखे सांप ला। विकासखंड मगरलोड के ग्राम पंचायत मोहंदी में मासूम मयंक की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। यह गड्ढा सेप्टिक टैंक के लिए खोदा गया था जिसे अभिमन्यु साहू ने अवैध रूप से खोदा था। 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा गड्ढे में पानी भरा हुआ था। बताया जाता है कि मासूम काफी देर से घर पर नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच गाय आपको बता दें गाय के गड्ढे में गिरने की जानकारी मिली, लोगों ने गाय को बाहर निकाला और इसी दौरान उसी गड्ढे में मयंक की चप्पलें भी पाई गईं। लोगों ने तलाश की तो मासूम का शव भी इसी गड्ढे से पाया गया। ग्रामीण है भुवनी साहू, उसने खुदवाया हूँ बताया और सेप्टिक टैंक के लिए, तो उसकी लापरवाही तो है, तो बच्चे का उसने मार्ग कायम कर जांच पश्चात उसने लापरवाही किया है करके अभिमन्यु साहू के खिलाफ 304A का हम अपराध पंजीबद्ध किए हैं। जांजगीर चांपा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां तालाब में एक 5 साल के मासूम बच्चे का शव मिला। मामला डबरा थाना क्षेत्र के ग्राम बगरैल का है। यहाँ 5 साल का मासूम बच्चा 30 जून को अचानक घर से लापता हो गया, जिसकी तलाश करने पर देर रात गांव के तालाब में उसका शव मिला। बताया जाता है कि बच्चे की दोनों आंखों को किसी धारदार हथियार से फोड़ दिया गया था और उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। एक और जहां मासूम का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई, तो वहीं पुलिस के लिए भी यह सवाल अब खड़ा हो गया है कि आखिर 5 साल के मासूम ने किसी का क्या बुरा किया होगा जो इस बेरहमी से उसकी हत्या की गई। बहरहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तलाश शुरू कर दी।
मगरलोड के ग्राम पंचायत मोहंदी में मयंक, जिसकी उम्र 6 साल है, उसके कहीं चले जाने पर परिजनों द्वारा खोजबीन की गई। घर के पीछे अवैध घास, जमीन पर सेप्टिक टैंक था, जिसमें मासूम का शव तैरता हुआ पाया गया। दर्ज होना चाहिए घास जमीन बेचने के मामले में, और इसमें गड्ढा खोद के उसमें जो दुर्घटना हुआ है, बच्चे जो मर गए, उसके विरुद्ध उसमें दोषी है वो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। वो 7,000-8,000 में प्रमाण पत्र लिख के भी पट्टा पैसा लेके दिया है। कार्रवाई का जो सामने उसके ऊपर कार्रवाई हो, सरपंच के ऊपर, और जो गड्ढा खोद के रखा उसके ऊपर होना चाहिए, इस बात ताकि भविष्य में और किसी बच्चे का ऐसा नुकसान। दोनों दोषी, सरपंच सबसे ज्यादा दोषी है, उसको बर्खास्त किया जाए। सरियापुरम केला मुख्य मार्ग पर देवगांव मोड़ पर रेत से भरे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। 25 वर्षीय मृतक देवगांव निवासी है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर वाहन मालिक को घटनास्थल पर लाने और उचित मुआवजे की मांग पर 3 घंटे तक रास्ता रोक दिया। मौके पर पहुंचकर सरिया थाना स्टाफ, बरमकेला स्टाफ और बरमकेला तहसीलदार ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश दी और मृतक परिवार को बरमकेला तहसीलदार ने शासन के द्वारा 25,000 रुपए की सहायता राशि दी। वाहन चालक को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। गांव चौक के पास गेट के पास में उनकी एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद गांव वाले थोड़ा आक्रोशित हो गए थे। आक्रोशित होके उन्होंने गाड़ी मालिक की मतलब यहां बुलाया जाए मांग कर रहे थे। तहसीलदार साहब, यूपी साहब वगैरह पहुँच कर बिलासपुर के कोटा से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग और 2 युवकों द्वारा एक महिला का बैंक लोन चुकाने के नाम पर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि महिला ने बैंक से लोन लिया हुआ था और उसे चुका पाने में वो अपने आप को असमर्थ पा रही थी। 60 वर्षीय बुजुर्ग और 2 युवक महिला को नगद रकम देने के बहाने बाइक पर बैठाकर जंगल की ओर ले गए, जहां तीनों ने महिला को शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तीनों के चंगुल से किसी तरह से भाग निकली महिला ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पकड़ा गया 60 वर्षीय शख्स CIF का रिटायर्ड कर्मचारी है। उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और अवगत कराने के पश्चात धारा 376D का अपराध दोनों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया और जिनकी तलाश की गई, दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आहता और आरोपियों का अभी डॉक्टरी परीक्षण नहीं कराया गया था, जो आज कराया जाकर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा रेस्क्यू बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और कपिला पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। कपिला पशु आहार।